राजस्थान की भाजपा सरकार से नित नई अपनी अपनी व्यथाएं, अपनी अपनी पीड़ाएं लेके कोई ना कोई आता ही रहता है। और आज भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं। आपको बता दें कि आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, तो कई बड़े यहां पर नेता, कई कैबिनेट मिनिस्टर यहां पर आए हैं और उन्हीं से बात करने के लिए, अपनी पीड़ा बताने के लिए कई लोग आज सुबह से ही भाजपा प्रदेश कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो संविदा पे सहायक रेडियोग्राफर के पद पर लगे हुए थे। 12 साल तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी, एक्सरे के रेडिएशन अपने शरीर पर झेले, लेकिन 12 साल की सेवा के बाद अब उन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है, जानेंगे उन्हीं से। भाई साहब, 12 साल तक आपने रेडियोग्राफर के तौर पर आपने सेवा दी और उन्हीं 12 साल में रेडियोग्राफी यानी एक्सरे से रिलेटेड काम, उसमें रेडिएशंस भी होते हैं, वो आपने झेले, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि 12 साल के बाद में आपको अपना भविष्य अंधकार में दिखा? हम करीब 2013 में इस पद पर लगे हुए थे संविदा सहायक। जब हमें 2013 में सरकार ने लगाया था, उस समय हमारे एक वर्षीय डिप्लोमा और अनुभव के आधार पर हमें नियुक्ति दी गई थी और हमने करीब 13 वर्षों तक इस पद पर हमने कार्य किया। सरकार अब हमें ये कह रही है कि आप जब लगे एक वर्ष डिप्लोमाधारी है, जो हमारे यहाँ पैरामेडिकल काउंसलिंग में नियमित नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हमने कहा सरकार से कि साहब, राजस्थान में पैरामेडिकल काउंसलिंग का गठन तो आपने 2015 में किया, उससे पहले यहाँ कोई संस्था थी नहीं, तो ये हमें बता सके कि भाई ये संस्था रिकॉग्नाइजेशन है, ये संस्था अनरिकॉग्नाइज्ड। हमने बाहरी राज्यों से जो रिकॉग्नाइज्ड संस्था थी, हमने वहाँ से डिप्लोमा उत्तीर्ण किया। उस उत्तीर्ण डिप्लोमा करने के बाद 2013 में सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में हमें नियुक्ति दी और 12 वर्ष तक हमें लगातार काम करवाया और अब हमारे कई साथियों को हटाया जा रहा है। तो हमारी सरकार से मांग है कि हमें उस पद से ना हटाकर, जिस तरह हमारे साथ कार्यरत लैब टेक्नीशियन को सरकार ने नया पद लैब सहायक स्वीकृत कर उन्हें नियमित किया 2021-22 में, तो हमारी भी ये मांग है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में डार्क रूम सहायक के स्वीकृत पदों पर हमें अनुभव के आधार पर और एक बार जो डिप्लोमा है हमारे पास उसके नियमों के तहत हमें भी नियमित किया जाए। और ने बताया कि भाई अभी 2021-22 में आपके ही समान पद पर लैब टेक्नीशियनों को नियमित किया है, तो पिछली सरकार में भी क्या आपने अपनी बात रखी थी और अगर रखी थी तो उसका क्या हुआ? हम लगातार अपनी मांग रखते आ रहे हैं, हमारी कोई मांग सुनने वाला नहीं है। हम क्यों प्रदेश स्तर पर आ नहीं पाते, अपने स्तर पर काम करते हैं, एक्सरे का रेडिएशन का हम दंश झेल रहे हैं और नहीं हम अवकाश लेकर यहाँ आ जाते आ पाते हैं। यूनिटी थी हमारे पास मगर कोई सरकार ना कोई प्रशासन ने हमारी बात कोई सुनी। अब मेन बात ये है सर, हमारे जो पद हैं वो चिकित्सा शिक्षा विभाग में, हम सरकार से मांग करते हैं वो भी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत कर लें, नहीं तो सरकार से हमारी एक मांग और है। 2013 में वार्ड बॉय के पद स्वीकृत किए थे, उसमें वार्ड बॉय कम और लैब सहायक और डायक रूम सहायक के पद पर कार्य करने हेतु नियमित भर्ती निकाली गई थी। वो भर्ती आज तक ठंडे बस्ते में हम यहाँ श्रीमान मुकेशजी दादी प्रदेश उपाध्यक्ष साहब से मिलने आए, उनको बताया तो उन्होंने मेरी बात सुनी उन्होंने और उन्होंने कहा कि मैं आगे ये बात करता हूँ और आपके लिए रास्ता निकालता हूँ, आपको अति शीघ्र नियमित किया जाएगा। कितने लोग हो आप अभी तक पूरे राजस्थान के? अगर अभी पूरे राजस्थान में बात करें तो हम 1000 के आसपास हैं और अभी सरकार ने उनको हटा दिया तो अभी 500 के 600 के आसपास संविदा सहायक रेडियोग्राफर हैं जो आज भी रेडिएशन का दंश झेल रहे हैं, काम कर रहे हैं और रेडिएशन से कितना ज्यादा खतरनाक है वो आप सभी को पता है। अब एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी आप अपनी तरफ से आप सारे जो कोशिशें हैं वो आप कर रहे हो, मान लीजिए कि अगर आपकी बात अनसुनी रह जाती है तब उसके बाद आपका क्या रुख रहे? उसके बाद हम प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, अल्लाह बोल रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, ये हमारी मांग है। घनश्याम सिंह राजपुरोहित, प्रदेश अध्यक्ष, सहायक रेडियोग्राफर, संविदा कार्मिक संघ। तो आपने सुना, घनश्याम जी हैं जो कि सहायक रेडियोग्राफर की जो एक यूनियन एक जो बनी हुई है उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि करीब 12 साल तक राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग के अंदर नौकरी करने के बाद में अगर अब उन्हें हटा दिया जाता है
तो सवाल यही है कि 12 साल तक तो आपने इनसे काम करवाया, वो किस आधार पर काम करवाया? अगर 12 साल तक या 13 साल तक आप इनसे काम करवाते तो जाहिर सी बात है ये योग्य लोग होंगे, इसी वजह से इन्होंने चिकित्सा विभाग के अंदर इन्होंने अपनी सेवाएं दी। तो अब इनकी योग्यता में कहां कमी रह गई जो इन्हें इनको इनकी नौकरी पर नहीं लिया जा रहा है? सवाल बड़ा है और सवाल सरकार से ये कर रहे हैं। हालांकि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीच जी ने इनको आश्वासन जरूर दिया है कि आपकी बात मैं आगे तक पहुंचाऊंगा और जो भी उचित निर्णय होगा उससे आपको अवगत कराएंगे। और सब चाहते हैं, ये करीब 700 परिवार ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी सिर्फ इसी एक सहायक रेडियोग्राफर के पद से चलती है, आज वो रोजी रोटी को भी तरस रहे हैं, मजबूर है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इनकी आवाज सरकार सुनेगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।